साथियों, अभी कुछ देर पहले सीबीएसई 12 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और 12 के रिजल्ट को लेकर बहुत लंबे समय से स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे। उनको आगे का एडमिशन लेना है, आगे के कोर्स चयन करना है, काफ़ी सारा मन में क्वेश्चन उठ रहे थे। आखिरकार वो जो इंतजार है वो अब ख़त्म हुआ है। अभी वेबसाइट्स जो है वो उस पर रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन कई सारे स्कूल जो कह रहे हैं कि अभी रिजल्ट जो है वो देख नहीं पा रहे हैं। वो लोग वेबसाइट क्रेश होने के कारण से रिजल्ट देखने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो सीबीएसई ने जो जानकारी जारी की है उसके अनुसार इस बार का जो रिजल्ट है वो 88.78% रहा है। मतलब ये जो पिछले साल के मुकाबले बेटर रिजल्ट कह सकते हैं इसको। ये 5.38% का इसमें बढ़ोतरी रही है इस बार। और सीबीएसई पहले से भी कहता रहा है कि वो बच्चों का नुकसान नहीं करेगा, इसलिए परिणाम भी कहीं ना कहीं से अच्छे आए हैं सामने। और इस बार जो देश में परिणाम जिन जगहों के अच्छे रहे उसमें त्रिवेंद्रम, बेंगलोर और चेन्नई के प्रदर्शन बेहतर बताया जा रहा है। ये टॉप 3 सिटीज़ बताए जा रहे हैं, टॉप 3 सिटीज़ सेंटर बताए जा रहे हैं। दिल्ली के परिणाम की अगर बात करें तो 94.34% जो परिणाम रहा है दिल्ली का। और अगर हम लोग गर्ल्स और बॉयज़ के परसेंटेज की बात अगर करें तो गर्ल्स ने जो है वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया इस बार भी बॉयज़ के मुकाबले। और ये जो बॉयज़ के मुकाबले परसेंटेज है जो वो 5.96 की जो बढ़ोतरी हुई है, मतलब ये बॉयज़ के मुकाबले गर्ल्स ने इतना परसेंट ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा प्रदर्शन बेहतर किया है ये। और इस बार जो मेरिट लिस्ट जो जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि मेरिट लिस्ट इस बार आना संभव नहीं है, वो ऐसा ही हुआ है कि मेरिट लिस्ट नहीं आई है। और इसमें सीबीएसई एक और बात कर रहा है कि एक और जो वैकल्पिक परीक्षा कराई जा सकती है ताकि स्टूडेंट जो है अपना परिणाम को और बेहतर बना सके उसके द्वारा। तो अभी तक की जानकारी में ये सामने आया है कि 12 के जो रिज़ल्ट है सीबीएसई के वो डिक्लेयर हो चुके हैं, वो वेबसाइट पे आ चुके हैं। स्टूडेंट और स्कूलों ने इसको देखना चालू कर दिया है। स्कूलों का ये कहना है कि अभी वेबसाइट क्रेश हो रही है, रिज़ल्ट देखने में टाइम लग रहा है। तो अभी तक की अपडेट के लिए मैं आपके साथ में बना हुआ था। आगे भी कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके साथ में बना रहूँगा। कुछ भी क्वेश्चन हो मेरे लायक तो आप मुझे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।